गाइस मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। भाई यहाँ पर अभिषेक जिस तरीके से केयर कर रहे हैं मनीषा की, बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। और मनीषा जिस तरीके से बेबिका का मुंह बंद करवा रही है, मुंह तोड़ रही है, वो उससे भी ज्यादा लाजवाब है। बेबिका ने बहुत ही गलत तरीके से जो है मनीषा के साथ पंगा लिया और मनीषा भी बहुत अच्छे तरीके से उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पर फिर भी मनीषा रो भी रही है जहां पर अभिषेक आते हैं। अभिषेक जो है टिश्यू लेते हैं, अपने हाथों से जो है मनीषा के आंसू जो है पोंछते हैं, क्योंकि उनको बहुत बुरा लग रहा है कि मनीषा रो रही है। पर उनको एक जगह पर अच्छा भी लग रहा है कि मनीषा जो है ऐसी बेबिका जो विलन है, जो ईविल है, उसको मुंह तोड़ जवाब दे दे रही है। और बेबिका जो है घुस घुस जा रही है, कहां-कहां कोने में घुस जा रही है जब मनीषा बोलने लग जाती है। मनीषा ने भाई बोल दिया, मेरी लैंग्वेज का मजाक उड़ा रही हो तुम, और मैनर्स ऐसा तुम्हारे, तो तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हो, कहां पर है तुम्हारे मैनर्स? इंग्लिश आती है तुम्हें? हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमें मैनर्स सिखाए गए हैं। यहां पर जिस तरीके से जिस पॉइंट पे बातें कर रही है मनीषा, वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ऐसे ऐसे पॉइंट मार रही है कि घर में जो एक्चुअली में फलक और पूजा भट्ट भी बेबिका के साथ थे, वो भी ऑटोमेटिकली उनका माइंड चेंज हो गया है कि भाई मनीषा सही बोल रही है और बेबिका गलत है। जहां पर बेबिका को जो है ये सब लोग बोल रहे हैं कि तुम ही गलत हो और मनीषा सही है, जहां पर मनीषा ने बोल दिया कि ये हमें कमजोर समझती है ना, अब इसको बताएंगे, इसका असली चेहरा जो है दिखाएंगे सबके सामने कि ये आखिरकार है तो है क्या। इंग्लिश बोलती है, मैनर्स है, घंटा के इसके पास मैनर्स है। हालांकि सही बात है, बेबिका के पास कोई मैनर्स नहीं है और अभी मगरमच्छ के आंसू रोने की कोशिश कर रही है। पर मैं तो सच में मनीषा के लिए क्लैप तो जरूर करूंगी कि भाई बहुत प्योर बोलती है, बहुत पॉइंट पे बात करती है। और जो बंदी एक्चुअली में सब की लेने वाली थी घर में, मैं बात कर रही हूँ बेबिका की इस बंदी ने ले ली यार, मतलब कि छोटा बॉम बड़ा धमाका। सही बात है, कैसी लग रही है मनीषा बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।